आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश एवं जल जमाव की समस्या से जूझ रहे मुजफ्फरपुर की जनता को डेंगू एवं मलेरिया से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में शहर में मच्छरों को मारने के लिए खरीदे गए नए फॉगिंग मशीन को मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी वार्ड को रोस्टर के हिसाब से आवंटित कर दिया गया। वहीं अब इन नए सफाई उपकरणों की मदद से मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम के काम में लगाया जाएगा। मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। ये बताया जाए, मच्छरों से निजात दिलाने के लिए निगम की क्या पहल है? मच्छरों से निजात दिलाने के लिए जो हम लोगों ने, आप लोगों को मालूम हुआ है कि शहर में कुछ ज्यादा बारिश हुई है जिस कारण जल जमा हुआ है और डेंगू का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। और हम लोग के यहाँ फिलहाल दो फॉगिंग मशीन पहले थी, हम लोगों ने 5 फॉगिंग मशीन आज मंगाई है और नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त के तत्परता और सूझबूझ कारण जो है सो 5 नई फॉगिंग मशीन खरीदा गई है जिसका उद्घाटन उन्होंने किया है और रोस्टर बना के अविलंब सभी वार्डो में विगत 1 सप्ताह के अंदर में पहले 1 बार हम लोग फॉगिंग करा देंगे और ईश्वर ने चाहा तो यहाँ पर डेंगू का प्रकोप नहीं होगी। दूसरा आज का कार्यक्रम था कि जो भी हमारे निगम कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनका हम लोगों ने बोर्ड में अस्थाई में पास किया था कि उनकी स्वास्थ्य कोरोना की जांच की जाएगी, उसी का कैंप हम लगाए हैं। और अंचल वाइज आज 1 अंचल का हो रहा है, आज 1 और 2 अंचल का हो रहा है, कल 3 अंचल होगा, परसों 4 अंचल होगा। जितने भी सफाई कर्मी हैं और निगम कर्मी सभी को कोरोना जाँच करना आवश्यक है और कराना होगा, उसी का कैंप लगी हुई है। आज 2-2 काम हुई है आज और आज बहुत बढ़िया नगर गए हैं और एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। और 15 तारीख को हम लोग का स्टडी बोर्ड की बैठक है, इसमें सारा बात। एंटी लड़वा का छिड़काव कब से शुरू? एंटी लड़वा का छिड़काव शुरू है, हो रहा है, शुरू है। और एंटी लड़वा ज्यादा इफेक्टिव है। लोगों में एक भ्रांतिया है कि फॉगिंग से मच्छर मरता है, लेकिन एंटी लड़वा ज्यादा मच्छर मरता है क्योंकि वो एंटी लड़वा मच्छर के अंडे को ही नष्ट कर देता है। तो उसका हम लोग शुरू है, हम लोग हर एक वार्ड में चालू है।